ब्रिक्स समिट 2024। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ब्रिक्स सम्मेलन 2024 के बारे में, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। साथ साथ ब्रिक्स अपने आप में ही एक इम्पोर्टेंट संगठन है, तो इस संगठन के बारे में भी बहुत से लोग जानते होंगे, और साथ ही साथ में इसके बारे में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से भी आप लोग जाकर के ब्रिक्स के बारे में देख सकते हैं कि ब्रिक्स क्या है, किस प्रकार से यह काम करता है, इसमें मेंबर कौन कौन है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स समिट के बारे में 2024 में जो हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। तो संस्करण यानी यह कितना एडिशन हुआ, तो यह 16वें नंबर का हुआ है, यानी कि 16th एडिशन रहा जो कि 2024 में हुआ, यानी कि 2024 में हुआ। और यह कहाँ हुआ, तो यह हुआ कजान रूस में। तो कजान का एक जगह का नाम है कजान, तो यहीं पर हुआ, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे कि इसके जो अध्यक्षता हुआ वह रूस के द्वारा किया गया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ यह रसिया में हुआ, ये भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों यह कब से कब हुआ, तो यह 22 से लेकर के 24 अक्टूबर 2024 को हुआ, यानी कि 22 से लेकर के 24 अक्टूबर को 2024 में हुआ यह, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसकी जो अध्यक्षता की यह रसिया के द्वारा किया गया, और इसमें जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यह अध्यक्षता किया गया, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो यह 16वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन रहा जो कि 2024 में, और यह रूस में हुआ, और रूस का जो शहर है वह है कजान, तो यहाँ पर हुआ, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा और जानकारी को देखते हैं, तो यहाँ पर मेंबर कंट्रीज जो कि कौन कौन शामिल रहे, तो मेंबर कंट्रीज कौन कौन है, तो ये ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, तो ये जो है ये 5 मेंबर जो है कंट्री है ही। साथ साथ इसमें ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई का पहला ब्रिक्स समिट था। तो यह जो हुआ ब्रिक्स सम्मेलन 2024, इसमें जो है ईरान, इजिप्ट मतलब मिस्र, इथोपिया, यूएई का पहला ब्रिक्स समिट था। दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जो है वह लिंक में मिल जाएगा, वहीं से आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, किस प्रकार से ये लोग शामिल हुए। तो 15वां जो ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में, दोस्तों यहाँ पर 15वां ब्रिक्स समिट साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है जोहान्सबर्ग, तो वहाँ पर इन सबको सदस्यता दी गई थी, तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। तो यहीं पर ये जो 4 देश हैं ईरान, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई, ये लोग भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज में शामिल हो गए हैं। यहाँ पर दोस्तों साथ साथ सऊदी अरेबिया जो है उनको भी यहाँ पे मेंबरशिप दिया जा रहा था, लेकिन वह अभी इस पर शामिल होने के लिए विचार कर रहा है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है सऊदी अरेबिया जो है वह ब्रिक्स में शामिल होने के लिए विचार कर रहा है। तो अभी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूएई, ये 4 और ये जो है 5, यानी टोटल अभी देखेंगे तो ये 9 कंट्रीज का यह समूह है ब्रिक्स, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इनको जो है सदस्यता मिला है यह 15 ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो उसी के थ्रू से इनको यहाँ पे मेंबर कंट्रीज के रूप में मिला हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर इस थीम के साथ में इसको इस बार मनाया गया, तो इस थीम को देखते हैं क्या है, तो स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो यह इंग्लिश में है, स्ट्रेंथिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, यह इस वर्ष का थीम रहा, इसको हिंदी में कहेंगे न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो यह इस वर्ष का थीम था, न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। तो इस थीम के साथ में इस वर्ष यह जो है समिट को किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर खास बात को भी देखते हैं, यहाँ पर खास बात क्या है, तो खास बात को लेकर के देखते हैं, तो ब्रिक्स में पार्टनर कंट्रीज के रूप में 13 देशों को जोड़ा गया, यानी कि अभी देख रहे हैं यहाँ पे 13 जो है न्यू कंट्रीज को मेंबर कंट्री जो पार्टनर कंट्रीज के रूप में जोड़ा गया, यानी कि भागीदार देश के रूप में जोड़ा गया है। वो कौन कौन से देश हैं, तो वो देश हैं अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। तो ये जो देश हैं 13 देश हैं इनको पार्टनर कंट्रीज के रूप में जोड़ा गया है, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे जो है 13 जो हैं उनको पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में जोड़ा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब दोस्तों आगे भी बात कर थोड़ा से ब्रिक्स पे पर विचार किया गया। दोस्तों यहाँ पे ब्रिक्स पे यानी कि हम लोग देखते हैं कि UPI जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो UPI के आधारित जैसे हम लोग भारत में यूज करते हैं UPI, यानी कि भारत पे
ये सब सब हम लोग यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रिक्स पे पर भी विचार किया गया है। यानी कि जो भी लेन देन होगा ब्रिक्स देशों के बीच में उनको भी ब्रिक्स पे के द्वारा ही किया जाए, इस प्रकार का यहाँ पर विचार किया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि ब्रिक्स पे पर विचार किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर सकारात्मक विचार हुए। दोस्तों यहाँ पर भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है उस पर भी सकारात्मक यहाँ पर रिजल्ट आया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि जो है गलवान घाटी में भारत और चीन के जो सैनिक हुए थे उनके बीच में झड़प हुआ था, और इसमें से दोनों तरफ से सैनिक हताहत हुए थे। तो उसके बाद से वहाँ पर जो है पेट्रोलिंग कर लेकर के बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर टेंशन चल रहा था, तो उन सारी चीज़ों पर भी यहाँ पर सकारात्मक विचार हुए। और अभी जो है चाइना के द्वारा और इंडिया के द्वारा दोनों जो है अपना जो है चेक पोस्ट हुए या फिर जो पेट्रोलिंग पार्टी हुए उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। यानी कि दोनों के बीच में जो सीमा है वहाँ से इनको साइड कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि भारत और चीन के बीच में जो है सीमा विवाद वह सकारात्मक रूप से हुआ है यहाँ पर। तो इंडिया और चाइना दोनों के जो हैं सैनिक वे लोग अपना अपना जो पिकेट थे सैनिक पिकेट उनको भी अब यहाँ से दूर किया जा रहा है, यानी कि बॉर्डर एरिया से दूर किया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हुई यहाँ पे खास बातों में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो ब्रिक्स समिट कहाँ होना है उसको भी देखते हैं। तो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो कि 2025 में होना है और वह 17वां एडिशन होगा, यानी कि 17वां संस्करण होगा, और वह कहाँ होगा, वह ब्राज़ील में होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट जो होगा वह 17वें नंबर का होगा, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन होगा, और ये कहाँ पर होगा, तो यह ब्राज़ील में होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया दोस्तों कि जो है ब्रिक्स समिट 2024 और यह रूस में हुआ, और यह 16वें नंबर का जो एडिशन था ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे, और साथ साथ जो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज थे उनके बारे में मैंने बता दिया। तो आप लोग लिंक में जा करके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर ब्रिक्स समिट 2024 के बारे में देख लें, यहाँ से करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग उस हिसाब से भी इसको याद रख लेंगे।